दोस्तों, अगर आप अपनी सभी फोटोज़ को गूगल फोटोज़ में सेव करके रखते हैं, मतलब आपने सेटिंग ऑन की है, तो आपके सभी फोटोज़ आपके कैमरे से कैप्चर की हुई फोटोज़ सभी गूगल फोटोज़ में सेव हो जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी फ़ोटो को गूगल फोटोज़ में कैसे सेव करना है, कैसे आप उनको लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गूगल फोटोज़ के बारे में बताने वाला हूँ। उनकी उसकी कौन कौन सी सेटिंग्स है जो आपको ऑन करके रखनी है, कौन सी सेटिंग्स को ऑफ करके रखना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप गूगल फोटोज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि गूगल फोटोज़ का यूज कैसे करना है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आपको दिखाता हूँ गूगल फोटोज़ में सेटिंग्स को आपको कैसे सेट करना है, यानी कौन कौन सी सेटिंग्स है जो आपको करके रखनी है। तो यहाँ पर आप सामने मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल फोटोज़ की जो एप्लीकेशन है, फोटोज़ होगा या फिर गूगल फोटोज़ लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको गूगल फोटोज़ का। तो यहाँ पर आपकी अगर सेटिंग, मतलब आपने यहाँ पर इसको ऐड किया होगा जीमेल आईडी को, और गूगल फोटोज़ में आपने बैकअप ऑन करके रखा होगा, तो सभी फ़ोटोज़ आपकी यहाँ पर सेव होती जाती है। जो भी फोटोज़ को आप कैमरे से कैप्चर करते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होती जा रही है। तो ये फ़ोटोज़ आपकी अगर आप फ़ोन की गैलरी में से डिलीट भी कर देंगे, अगर आपका फ़ोन भी रीसेट कर देंगे, सब कुछ आपका बिल्कुल डेटा क्लियर कर देंगे अपने फ़ोन से, तो आप इस ईमेल आईडी को, यानी जो जीमेल आईडी आपकी गूगल फोटोज़ में सेव है, उसको आप अगर आप दूसरे मोबाइल में भी लॉगिन करेंगे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में लॉगिन करेंगे, वहाँ पर जब आप गूगल फोटोज़ को ओपन करेंगे, तो वो सभी फ़ोटोज़ आपको उस डिवाइस में ओपन होने के बाद देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप हो या फिर कोई अदर डिवाइस हो, चाहे आपका ये मोबाइल खो भी जाए, लेकिन बस आपकी जीमेल आईडी को आपको रिकवर कर लेना है दूसरे मोबाइल में, कंप्यूटर लैपटॉप में आपकी फ़ोटोज़ वहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो ये बेनिफिट होता है गूगल फोटोज़ का कि आपकी गूगल फोटोज़ में फ़ोटो सेव होने के बाद वो कहीं पर भी एक तरह से ना तो डिलीट होने का डर रहता है, ना फिर आपका मतलब कोई अदर पर्सन देख सकता है आपके फ़ोन में, अगर आपको फ़ोन लेगा तो ही देख सकता है, नहीं गूगल फोटोज़ में फ़ोटो सेव रहती है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर में। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा फ़ोटो सेटिंग्स का, फ़ोटो सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक तो आपको ऊपरी ऊपर बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें मेरी तो ईमेल आईडी यहाँ पर डली हुई है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी को डाल के रखना है, और बैकअप है इसको इनेबल करके रखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बैकअप यहाँ से ऑफ हो गया है, इसको इनेबल करके रखना, सभी फ़ोटोज आपके यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है नीचे बैकअप क्वालिटी का, तो बैकअप क्वालिटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तो तीन ऑप्शन है, ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर और एक्सप्रेस। तो आपको हमेशा ओरिजिनल क्वालिटी पर सेलेक्ट करके रखना है इसको, यानी कि जो ओरिजिनल क्वालिटी आप जिस फ़ोन का भी यूज कर रहे हैं, उस कैमरे से आप किसी भी फोटो कैप्चर करेंगे तो वो फोटो की क्वालिटी आपकी डिक्रीज नहीं होगी गूगल फोटोज़ में, ओरिजिनल क्वालिटी में हमेशा फ़ोटो सेव होंगी। तो इसको हमेशा ओरिजिनल क्वालिटी सेलेक्ट करके रखना है। वैसे आपका डेटा ज़्यादा खर्च होगा, अगर आपको डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओरिजिनल क्वालिटी ही सेलेक्ट करके रखना। और बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा मोबाइल डेटा यूजेज का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेली लिमिट फॉर बैकअप की लिमिट दिख रही है, 5 MB, 10 MB, 30 MB। मैंने इसको अनलिमिटेड किया हुआ है क्योंकि मुझे डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आपका मोबाइल नेट अगर आपका ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे डेटा खर्च होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अनलिमिटेड कर देना। नहीं तो आपको 30 MB, 10 MB पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डेली आप बैकअप में कितना डेटा देना चाहते हैं। एक तो जैसे दिन भर में आप 100 फोटो क्लिक करें या फिर 50 फोटो क्लिक करें तो सभी फोटोज़ आपके सेव हो जाएगी, लेकिन डेटा की लिमिट सेट कर देंगे तो डेटा के हिसाब से आपकी फ़ोटो सेव होंगी। तो मैंने इसको अनलिमिटेड किया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से कर लेना। तो बैक चलते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बैकअप डिवाइस फोल्डर्स। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन फोल्डर्स की फ़ोटो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब सेव हो जाएंगी, तो इनको देख लेना। तो अब बैक चलते हैं और आपको दिखाता हूँ और सेटिंग। जैसे आपका ये गूगल फोटोज़ ओपन है, फ़ोटोज़ पर क्लिक करके आपको इस तरह की फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, और जैसे आप लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी फ़ोल्डर्स के हिसाब से यहाँ पर सेव फ़ोटो हैं जो दिख जाएंगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर फोल्डर्स भी बना सकते हैं, एक तरह से जैसे फ़ोन में फोल्डर बना के रखते हैं, तो आप अपने फोल्डर के हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बिन का ऑप्शन है, बिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फ़ोटो जाएंगी जो आप गूगल फोटोज से फ़ोटो डिलीट करेंगे, फ़ोन की गैलरी से डिलीट करेंगे, वाली फ़ोटो यहाँ पर नहीं आएंगी। जैसे मैंने गूगल फोटोज ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं किसी भी फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ, तो सबसे पहले इस फोल्डर में आएगी बिन में। तो यहाँ पर टाइम दिख रहा है कि आइटम्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 60 डेज इन द बिन, यानी कि आप गूगल फोटोज से कोई भी फ़ोटो डिलीट करेंगे तो वो 60 दिन तक आपके इस बिन वाले फोल्डर में पड़ी रहेगी। अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर कर लेना, नहीं तो 60 दिन के बाद वो फ़ोटो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, खुद
भी कर सकते हैं, मतलब नहीं तो 60 दिन के बाद तो वो हो ही जाएंगी। तो इस तरह से आप इन फोटोज़ को सेव कर सकते हैं। जो जीमेल आईडी आपने यहाँ पर डाली हुई है, मतलब जिस जीमेल आईडी को आपने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, उस जीमेल आईडी की फ़ोटो आप किसी भी डिवाइस में जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर उस जीमेल आईडी की फ़ोटोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी जीमेल आईडी में अगर आपकी फ़ोटोज़ है तो दूसरी जीमेल आईडी को ओपन करना पड़ेगा। जिस जीमेल आईडी की फोटो है उस जीमेल आईडी में हमेशा सेव रहेंगी फोटोज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई होगी और गूगल फोटोज़ के बारे में मैंने जो भी बताया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।